जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है, मैं यहाँ उनको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं हूँ। पर्सनली मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और शायद मैं पहला गवर्नर हूँ जो प्रोटोकॉल तोड़ के दोनों के यहाँ चाय पी के आया। मैं खुद उनके यहाँ गया हूँ, दोनों को अच्छे से जानता हूँ एंड आई विश देम वेल। उनके किसी, मैं जो काम कर रहा हूँ वो उनके किसी भी अधिकार पे कोई उस कतरे नहीं जा रहे, जो मुझे जम्मू कश्मीर संविधान के तहत अधिकार मिले हुए हैं या भारतीय संविधान के तहत मिले हुए हैं, और जो मेरी ड्यूटी है और जो पब्लिक गुड में है, मैं सिर्फ वो काम कर रहा हूँ। मैं इसको, इस पे कुछ नहीं कहूँगा। किसी ना किसी का तो पेट्रोनेज रहता है, तभी कोई फसल उगती है, और ये एक दिन का नहीं है, 60-70 साल का है। तो सबको इसमें एक आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए, पॉलिटिकल लोगों को भी, ब्यूरोक्रेसी के लोगों को भी, और जुडिशरी भी अब तो देख रही है किसी तरह से अगर यहाँ करप्शन रुके या कम हो जाए। कंपैरेटिवली यहाँ ज़्यादा है, बुरा मत मानिएगा, तो वो अगर रुक जाएगा तो वो बेसिकली तो जनता के पक्ष में ही जाएगा। मैं बहुत इम्प्रूवमेंट देखता हूँ, और करीब करीब आप ये समझिए कि मैं बहुत दूर तक जम्मू कश्मीर की स्थिति को सामान्य मानता हूँ। जो चुनाव हुए हैं, 9 चरण के तो पंचायत के हुए, 4 चरण के म्युनिसिपैलिटी के हुए, और ईश्वर की कृपा, लोगों के सहयोग और फोर्सेस की वजह से एक चिड़िया की भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। मैं इसको एक अच्छी बात मानता हूँ। इसके अलावा बहुत थोड़े से सेक्शन को छोड़ के बड़े सेक्शन ने वोट भी दिया है, बच्चे खेल रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि हमने कभी 10 साल में पिछले 25,000 बच्चे एक जगह इकट्ठा नहीं देखे हैं। फुटबॉल के मैच में एक दिन, जिस दिन मोहन बगान का मैच था, उस दिन 27,000 बच्चे थे। तो बहुत बहुत सुधार चीजों में हो रहा है, डेवलपमेंट। और मुझसे मत पूछिए, आप सड़क पे पूछिए आदमी से, ये मेरे कहने से नहीं बनेगा। नहीं, लद्दाख से तो आई थी, लेकिन दूसरी जगह का तो मैंने अभी अखबारों में पढ़ा है, इसलिए इस पे अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लद्दाख उनकी बहुत, ये तो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, मेन स्ट्रीम पार्टीज में भी एक आध उसकी सपोर्ट में है, तो उसके जो मेरिट्स डिमेरिट्स हैं उस पे सोच के लद्दाख के लोगों के हित में जो होगा वो हम करेंगे।